हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास सेवन्थ के हिस्ट्री चैप्टर 1 पढ़ेंगे, हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। 12वीं सदी के भूगोलवेत्ता अल इद्रिशी का बनाया हुआ दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र तक दिखाया गया है। यहाँ जो नक्शा दिखाया गया है वो उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। और मैप 2 एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं, मगर उनमें काफ़ी अंतर है। अल इद्रिशी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहाँ हम आज उत्तर भारत ढूँढेंगे, और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। जगहों के नाम अरबी में दिए गए हैं, और उनमें से कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज। मैप 2 पहले मैप के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया। इस कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थी। ये नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा, उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्योरे देखकर आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक और व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं, तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना जरूरी होता है। न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज, नई और पुरानी शब्दावली। अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं, और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदली है, जैसे कि मध्ययुग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से अलग है। ये भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई है, समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही लीजिए, आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, तो उसका आशय पंजाब हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षी और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। ये प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान था, मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहाँ हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे, जैसे कि विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए। हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो।
मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग ना हो विदेशी कहलाता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेसी और फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था। किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस। हिस्टोरियंस यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज टू लर्न अबाउट द पास्ट डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ देयर स्टडी एंड द नेचर ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। लास्ट ईयर फॉर एग्जाम्पल यू रीड अबाउट रूरल्स ऑफ द गुप्त डायनेस्टी एंड हर्षवर्धन। इन दिस बुक वी विल रीड अबाउट द फॉलोइंग 1000 ईयर्स फ्रॉम रफली 700 टू 1750। इतिहासकार और उनके स्रोत। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। जैसे कि पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। इस बुक में हम मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। You will notice some continuity in the sources used by historians for the study of this period. They still rely on coins, inscriptions, architecture, and textual records for information, but there is also considerable discontinuity. इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिली जो पिछले युग से वैसी ही चली आ रही है। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठे करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य, भवन निर्माण कला और लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं, पर कुछ बातें पहले से काफ़ी अलग भी हैं। इस युग में प्रामाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे। इस समय के दौरान कागज सस्ता हो गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृतांत, संतों के लेखन और उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब और करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे। धनी व्यक्ति, शासक जन मठ और मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों और अभिलेखागारों में रखा जाता था। इन पांडुलिपियों और दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है। अभिलेखागार ऐसा स्थान जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं, जहां वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन के ब्यूरो का रिकॉर्ड रखते हैं। देयर वॉज नो प्रिंटिंग प्रेस इन दोज डेज, सो स्क्राइब्स कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट बाय हैंड। उन दिनों छापेखाने तो थे नहीं, इसीलिए लिपिक या नकल नवीस हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। अगर आपने कभी किसी दोस्त के गृह कार्य की नकल उतारी है तो आप जानते होंगे कि ये काम आसान नहीं है। कभी कभी आपको अपने दोस्त की लिखावट समझ में नहीं आती होगी और आपको मजबूर होकर अंदाजा ही लगाना पड़ता होगा कि क्या लिखा गया है। फलस्वरूप आपके लिखे में और दोस्त के लिखे हुए से कुछ छोटे मोटे लेकिन महत्वपूर्ण अंतर आ जाते होंगे। पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ कुछ यही होता है। प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेर बदल करते चलते थे। कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य,
सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियाँ बनती रहीं और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की अलग अलग प्रतिलिपियाँ एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। हमें बाद के लिपिकों को द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। इसीलिए इस बात का अंदाजा लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। फिगर वन में आप देख सकते हैं कि ये एक लघु चित्र की प्रतिकृति है, जिसमें एक लिपिक किसी पांडुलिपि की नकल कर रहा है। इस फिगर का आकार 10.5 सेंटीमीटर बाय 7.1 सेंटीमीटर की साइज है। इस छोटे आकार के कारण इसे लघु चित्र या मिनीएचर कहा जाता है। कभी कभी इन लघु चित्रों का प्रयोग लेख में आई पांडुलिपियों को स्पष्टता प्रदान करने के लिए किया जाता था। ये इतने सुंदर होते थे कि आगे चलकर संग्रहकर्ता अक्सर इन चित्रों को पांडुलिपियों से अलग करके बेचने लगे थे। ये फिगर टू है। लिखावट की अलग प्रकार की शैलियों के कारण फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। नस्तलिख लिपि बाई ओर है में वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह रूप से लिखे जाते थे। फारसी अरबी के जानकारों के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान होता है। शिवस्त लिपि राइट साइड में अधिक सघन, संक्षिप्त और कठिन है, आप देख सकते हैं। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांतों में संशोधन करते रहते थे। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा था। दोनों में अंतर है, लेकिन 1960 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी नहीं थी। ये पुस्तकालयों के विशाल संग्रहों में कहीं दबी थी। न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स द स्टडी ऑफ द 1000 years बिटवीन 700 and 1750 इज़ अ ह्यूज चैलेंज टू हिस्टोरियंस, लार्जली बिकॉज ऑफ द स्केल एंड वेराइटी ऑफ डेवलपमेंट्स डेट ऑक्योर्ड ओवर द पीरियड। सन 700 और 1750 के बीच के 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है, मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेयास्त्रों, बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल। इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया, जैसे आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी। ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकी और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे। परिणाम स्वरूप ये काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा था। इसके बारे में और हम चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्राएं करने लगे थे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थीं। इस काल में जिन समुदायों का, ये फिगर 3 है, रहट, इसको रहट बोलते हैं। इस काल में जिस समुदायों का महत्व बढ़ा, उनमें से कुछ एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम राजपूत यानी राजा का पुत्र से निकला है। 8वीं से 14वीं सदी के बीच ये नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ग के थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत
वर्ग ही नहीं बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा सिख जाट अहोम और कायस्थ मुख्यतः लिपिकों और मुंशियों का कार्य करने वाली जाति आदि समूहों ने भी उठाया। हैबिटेट यानी कि पर्यावास, इसका तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है। इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में ये परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा बहुत तेजी से और पूरे तौर पर हुआ। पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार मुखियाओं पुजारियों मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे थे। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ जमीन होती थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगा, लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्जे स्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांवों के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का शासन होता था। मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी। रीजन एंड एम्पायर, लार्ज स्टेट्स लाइक दोज ऑफ द चोल चैप्टर 2, तुगलक चैप्टर 3 और मुगल चैप्टर 4 एनकम्पास्ड मैनी रीजन्स। और संस्कृत प्रशस्ति, सी चैप्टर 2 फॉर एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्रशस्ति। ये सारा आप चैप्टर 2, 3, 4 में पढ़ेंगे। जैसे कि चैप्टर 2 में आप देखेंगे कि एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है, जो पूर्व में बंगाल गौड़ से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी गज्जन तक फैला हुआ था और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत द्रविड़ भी आ जाता था। गौड़ आंध्र केरल कर्नाटक महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। साथ ही वे ये समझने की कोशिश में भी लगे रहते हैं कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के अलग अलग भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहते हैं। भाषा और क्षेत्र। सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है। सिंधी, लाहौरी, काश्मीरी, द्वार समुद्री, दक्षिण कर्नाटक में, तेलंगानी, आंध्र प्रदेश में, गुजरी गुजरात में, माबारी तमिलनाडु में, गौड़ी बंगाल में, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में
और हिंदवी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में। अमीर खुसरो ने आगे बताया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। ये एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं। अमीर खुसरो द्वारा उल्लिखित भाषाओं की एक सूची बनाइए और एक सूची इन भाषाओं के नामों की बनाइए जो उनके द्वारा उल्लिखित क्षेत्रों में आज बोली जाती है। जो नाम एक से हैं उन्हें रेखांकित कीजिए और जो नाम अलग हैं उनके चारों ओर घेरा कर दीजिए, सर्कल बना दीजिए। सन 700 तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और अपनी भाषा तथा सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। चैप्टर 7 में आपको इनके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए थे। इन राज्यों के बीच काफ़ी टकराहटें चलती रहती थी। कभी कभी चोल, खलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे, जैसे कि आप चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। खलजी और मुगल वंश के शासन कितनी कितनी अवधि तक चले। 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पर था, फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे। इस बारे में आप चैप्टर 8 में और भी विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहता था और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस महाद्वीप उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थीं। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से अलग, कुछ एक समान हैं। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति और भाषा के संदर्भ में मिलती है। सन 700 से लेकर 1750 के बीच के हजार वर्षों में इन अलग क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशिष्टताएं बनी रही थी, मगर समन्वय की सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स, द 1000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री दैट वी आर एक्सप्लोरिंग विटनेस्ड मेजर डेवलपमेंट्स इन रिलीजियस ट्रेडिशंस। पीपल्स बिलीफ इन द डिवाइन वॉज समटाइम्स डीपली पर्सनल, बट मोर यूजुअली इट वॉज कलेक्टिव। कलेक्टिव बिलीफ इन अ सुपरनेचुरल एजेंसी रिलीजन was often closely connected with the social and economic organization of local communities. As the social worlds of these groups altered, so too did their beliefs. इतिहास के जिन हजार वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। दैवी तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तिगत स्तर पर होती थी, मगर आम तौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म हमेशा स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार का बदलता गया, वैसे ही इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। It was during this period that important changes occurred in what we call Hinduism today. These included the worship of new deities, the construction of temples by royalty, and the growing importance of Brahmins, the priests, as dominant groups in society. आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं
उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। इन परिवर्तनों में से कुछ थे जैसे नई देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व और बढ़ती सत्ता। Their knowledge of Sanskrit test earned the Brahmins a lot of respect in society. Their dominant position was consolidated by the support of their patrons, new rulers searching for prestige. संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। इनके संरक्षक थे नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया था। वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट्स ऑफ दिस पीरियड वॉज द इमर्जेंस ऑफ द आइडिया ऑफ भक्ति ऑफ अ लविंग पर्सनैलिटी दैट डिवोटीज कुड रीच विदाउट द एड ऑफ प्रिस्ट और एलैबोरेट रिचुअल्स। यू विल बी लर्निंग अबाउट दिस एंड अदर ट्रेडिशंस इन चैप्टर 6। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई थी जिस तक पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके। इसके बारे में और साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में आप चैप्टर 6 में पढ़ेंगे। पैट्रन मीन्स होता है संरक्षक, कोई प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान या अभिजात जैसे किसी अन्य व्यक्ति को मदद या सहारा दे। ये वो युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहले पहल 7वीं सदी में व्यापारियों और आप्रवासियों के जरिए पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्यायशास्त्रियों यानी उलेमा को संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत विशेषकर भारत में हनफी और शफी ऐसे सिद्धांत हैं कि अलग परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों और रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स, समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। हिस्टोरियंस डू नॉट सी टाइम जस्ट एज अ पासिंग ऑफ आवर्स, डेज और ईयर्स। एज अ क्लॉक और अ कैलेंडर, टाइम ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स चेंजेस इन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इन द प्रसिस्टेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडियाज एंड बिलीव्स। The study of time is made somewhat easier by dividing the past into large segments, periods that possess shared characteristics. इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी कि केवल घंटों, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में ही नहीं देखते। उनका नज़रिया ये है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाला परिवर्तनों को झलकता है, ये दिखलाता है
कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा है और कितना परिवर्तन आया है। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। इन द मिडल ऑफ द 19th century, ब्रिटिश हिस्टोरियंस डिवाइडेड द हिस्टोरी ऑफ इंडिया इंटू 3 पीरियड्स, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। दिस डिवीजन वॉज बेस्ड ऑन द आइडिया डेट द रिलीजन ऑफ रूलर्स वॉज द ओनली इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल चेंज एंड डेट देयर वर नो अदर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स इन द इकोनॉमी, सोसाइटी और कल्चर। सच अ डिवीजन ऑल्सो इग्नोर्ड द रिच डाइवर्सिटी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांट दिया था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ये विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में कोई भी बदलाव नहीं आता। इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की भी उपेक्षा हो जाती थी। इस काल में विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक और सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के अलग अलग कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े थे उसमें प्राचीन समाजों के कई प्रकार का समावेश था, जैसे शिकारी, संग्राहक, प्रारंभिक दौर के कृषिकर्मी, शहरों और गांव के निवासी और प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य। इस साल आप जो इतिहास हिस्ट्री पढ़ेंगे उसे प्रायः मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। इसमें आपको कृषक समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय और सामाजिक राज्यों के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप से व्यापारी कंपनियों के आगमन के बारे में और विस्तार से जानकारी मिलेगी। दीज 1000 ईयर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री विटनेस कॉन्सिडरेबल चेंज। आफ्टर ऑल द 16th and 18th centuries वर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द 18th और द 11th, therefore describing the entire period as one historical unit is not without its problems. Moreover, the medieval period is often contrasted with the modern period. Modernity carries with it a sense of material progress and intellectual advancement. This seems to suggest that the medieval period was lacking in any change whatsoever, but of course we know this was not the case. भारत के इतिहास के ये 1000 साल अनेक बदलावों के साक्षी रहे हैं। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दियाँ 8वीं या 11वीं शताब्दियों में काफ़ी भिन्न थी, इसलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। फिर मध्यकाल की तुलना हमेशा आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। इससे आशय ये निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था और उस दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। ड्यूरिंग दिस 1000 ईयर्स द सोसाइटीज ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वर ट्रांसफॉर्म्ड ऑफन एंड इकोनॉमीज इन सेवरल रीजन्स reached a level of prosperity that attracted the interest of European trading companies. As you read this book, look out for signs of change at the historical processes at work. Also, whenever you can compare what you read in this book with what you read last year, look out for changes and continuities wherever you can, and look at the world around you to see what else has changed or remained the same. इन 1000 वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाजों में हमेशा परिवर्तन आते रहे हैं।
और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई थी, उसने यूरोप की व्यापारी कंपनियों को भी आकर्षित करना शुरू कर दिया। इस बुक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के साइंस यानी चिन्हों और यहाँ सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते चलिए, और जब भी संभव हो इस बुक में आप जो पढ़ रहे हैं उसकी तुलना आप पिछले साल यानी कि जो आप 6 में पढ़े थे उस बातों से करने की कोशिश करिए। जहाँ भी संभव हो ये देखिए कि कहाँ बदलाव हुए हैं और कहाँ नहीं, और आज अपने आसपास की दुनिया पर नज़र डालकर भी ये देखिए कि और भी क्या कुछ बदला है या वैसे ही रहा है।